नमस्कार दोस्तों दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों अपडेट यह है कि जैसे कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी यह प्रयास में है कि अप्रेंटिसशिप की भर्ती होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप की सिलेक्शन होना चाहिए, जितने अप्रेंटिसशिप हैं सभी का रेलवे में स्थायी भर्ती होना चाहिए। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी इसको लेकर के प्रयास कर रहे हैं, जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं, अनेकों बार पीएनई मीटिंग में इस बात को उठाए हैं और रेल मंत्री जी रेलवे बोर्ड के सीईओ से ही मिले हैं कि अप्रेंटिसशिप की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट यह है कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के पास अब एक बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप है उनकी संख्याएं बहुत है, उन सारी अप्रेंटिसशिप को नौकरी दिलाना, उनकी जो उनकी मुद्दा है उनको सॉर्ट आउट करवाना महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी की एक मजबूरी बनेगी। दोस्तों मजबूरी यह है कि दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि आपकी रेलवे में दो बड़े यूनियन AIRF और NFIR है जो अभी मान्यता में है और वे रेलवे बोर्ड में बैठते हैं, रेलवे बोर्ड के सभी डिसीजन में उनका निर्णय लिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों रेलवे के द्वारा एक यह मैसेज दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेलवे में होगा यूनियन के लिए मान्यता का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, जो भी रेलवे जो कर्मचारी का संगठन है वे रेलवे में यूनियन का इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में जीतने के बाद वे रेलवे बोर्ड में बैठते हैं और उनका महत्व रहता है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द रेलवे में यूनियन का इलेक्शन होने वाला है, इसे रेलवे में यूनियन का इलेक्शन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट दिया है कर्मचारी संगठन NFIR और AIRF है उनका भी अब मान्यता के लिए इलेक्शन होगा। देख सकते हैं इलेक्शन होने की संभावना है मान्यता के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे इंडियन रेलवे में अभी 14 जोन में अभी AIRF मान्यता में है। तो AIRF महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी यह प्रयास में रहेंगे कि हम इस बार भी यूनियन की जो मान्यता का इलेक्शन है वह हम जीते और हम फिर से रेलवे में मान्यता में आए। रेलवे बोर्ड के द्वारा जब इलेक्शन के लिए एक संभावना डेट बता तो इसको लेकर महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी बहुत ही एक्टिव है, वे चिंतित है कि हमको फिर से इस बार रेलवे में मान्यता में जो चुनाव होने वाला है वह हमको जीतना है और इस अगर इलेक्शन को जीतना है तो सभी अप्रेंटिसशिप का समायोजन करवाना पड़ेगा। जितने भी अप्रेंटिसशिप है उन सभी को भर्ती करवाइए, GM पावर दिलवाइए या रिजर्वेशन बढ़वाइए, इन सभी के माध्यम से अगर महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन अगर रेलवे में करवा देते हैं तो उनकी एक बहुत सारे जो मान्यता के लिए जो उनको मत चाहिए वह बहुत सारे मत उनको मिल जाएंगे। दोस्तों यह बात निश्चित है कि अगर अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन होता है, अप्रेंटिसशिप के मुद्दे का समाधान होता है तो जितने भी अप्रेंटिसशिप का अगर रेलवे में समायोजन होगा वह महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के पक्ष में ही जाएंगे और मान्यता के लिए जो इलेक्शन होंगे तो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के पक्ष में ही वे वोट करेंगे। तो ऐसे में महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी फिर से भारी मतों से फिर से रेलवे बोर्ड में जो मान्यता की इलेक्शन है वह जीत जाएंगे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी मजबूरी है महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के पास कि यूनियन के इलेक्शन होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले अप्रेंटिसशिप के बारे में कुछ न कुछ उनकी जो मुद्दा है उनको लेकर के सॉर्ट आउट करवाना होगा महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के, उसके बाद ही वे मान्यता के लिए इलेक्शन का चुनाव जीत सकते हैं। तो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के पास बहुत बड़ी मजबूरी है, सभी अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत ही खुशी का अवसर होगा अगर महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ध्यान दे दिए, अपना 100% ध्यान दे दिए तो अप्रेंटिसशिप की समस्या का समाधान बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो उनकी इस बार ध्यान देना बहुत ही मजबूरी है।
दोस्तों, तो अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत बड़ी अपडेट यही है कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी बहुत जल्द अप्रेंटिसशिप के लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला ले सकता है, या रेलवे बोर्ड में रेल मंत्री जी से मिलने की बात हो या रेलवे बोर्ड के CEO से मिलने की बात हो, अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को लेकर एक बहुत बड़ा वे एक्शन ले सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप की ज्वाइनिंग के लिए वे इस बार प्रयास कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यही बहुत बड़ी अपडेट है अप्रेंटिसशिप के लिए। यही खुशखबरी है कि इलेक्शन होने से पहले सभी अप्रेंटिसशिप को महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी अवश्य उनका समायोजन करवाएंगे। दोस्तों, यह सभी अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं सभी प्रकार की अपडेट महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी की सारी गतिविधियां अप्रेंटिसशिप को लेकर के मैं आप सभी तक पहुंचाते रहता हूं। आपसे दोस्तों जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।